भैया कितने दिनों से बन रहा है ये पंडाल? सबसे पहले आप सभी को जय माता जी और नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। मतलब पंडाल आपका 3 महीने से बेसी हो गया बन रहा है जी। ये 3 महीने से पंडाल बनाया जा रहा है और ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग अभी राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे और सिसवा में राम मंदिर, राम जानकी मंदिर परिसर में राम जानकी मंदिर का ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो बताते हुए बेहद खुशी होगी कि हमारे सिसवा बाजार, तो लगभग सभी लोग जो महाराजगंज जिले से बिलोंग करते हैं, सभी लोग जानते हैं सिसवा बाजार पूर्वांचल का सबसे मशहूर दुर्गा पूजा हमारे वहाँ मनाया जाता है। और लगभग हमारे वहाँ तो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट से भी, जैसे कुशीनगर हो गए और बगल में सिद्धार्थनगर हो गया, फिर हमारे नेशनल बॉर्डर पर इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल, नेपाल से भी लोग हमारे वहाँ आते हैं दर्शन के लिए। लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का मान के चलिए टोटल क्राउड रहता है हमारे वहाँ दुर्गा पूजा मेले में। और यह मतलब यहाँ पे जो आपको बना जा लोग जहाँ पे खड़े हैं सिसवा जाकर राम मंदिर के, यहाँ पे आपका श्री अयोध्या के जो राम जन्मभूमि है राम जी का, हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी, उनके जो मंदिर अयोध्या बन रहा है उन्हीं के तर्ज पे, श्री राम मंदिर के तर्ज पे हमारे राम मंदिर ग्राउंड सिसवा बाजार में श्री राम जानकी मंदिर उनके तर्ज पे मंदिर बनाया जा रहा है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सिसवा बाजार में श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। समिति को अपने साथ समिति के सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके अध्यक्ष हैं मनोज जी हैं, मनोज केसरी जी, और फिर जितेंद्र भैया, जितेंद्र सोनी जी हैं, सोनी रोनियार भैया हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं इस समिति। तो सभी लोग बनता है अच्छा। ये राम मंदिर पंडाल बनाने का उद्देश्य देख करके हमें लग रहा है कि यहाँ सब राम भक्त ही हैं, कहे से कि भगवा भगवा में मंदिर का बहुत अच्छा कि हमारा जो सिसवा बाजार की धरती एकदम सनातनी धरती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और यहाँ के दुर्गा पूजा में सभी लोग का सहयोग होता है। और बहुत अच्छे से हमारा वहाँ रैली निकलता हुआ है। जब विसर्जन आपका होता है हमारे वहाँ माता जी का विसर्जन, तो एक आगे मिसकारी मोहल्ला पड़ता है, उसी रास्ते जाता है जो पूरा मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र है बाहुबल्य मोहल्ला, लेकिन फिर भी उसके अंदर से जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता। उन लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है मुस्लिम समुदाय को, बाकी माता जी की कृपा। चलिए, तो ये आप लोगों ने सुना, ये हमारे सिसवा के ही कुंवर भैया थे और इनसे मैंने आप लोगों के बताया। और यहाँ का जो राम मंदिर पंडाल बन रहा है इसके बारे में इन्होंने आप सभी को अच्छे तरीके से बताया। और ये भैया सिलाई कर रहे हैं। भैया कितने दिन से ये सिलाई कर रहे हैं आप? 1.5 महीने से। और टाइम मिलता है रात को सोने के लिए कि रात में भी काम करना पड़ता है? नहीं, अभी तो रात में आदमी सो रहा था जी, लेकिन अब क्या है कि जागना पड़ा है। अब करीब आ गया है और इसको लेकर के परेशर भी होगा, तो अब तो मेहनत ज़्यादा बढ़ गया होगा। चलिए भैया है, देखिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ये कपड़े का सिलाई का काम कर रहे हैं। और जो भी इसमें कपड़ा देख रहे हैं सभी कपड़ों का सिलाई और कटिंग इन्हीं के माध्यम से हो रहा है, क्यों भैया? तो ये देख रहे हैं और ऊपर भी लोग ये प्लाई वाला देख रहे हैं, प्लाई का सेटअप बना के ये गेट वोट वाला जो भी काम है। और इधर देख रहे हैं ये सब पिलर बन रहा है और पिलर में जो बनाया जा रहा है बांस के साथ बीट लगा करके ये पिलर का आकार दिया जा रहा है कपड़ा लगा करके। और ये देख रहे हैं आप हूबहू राम मंदिर के तरह ये जब बन के तैयार होगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये राम मंदिर नहीं है, बिल्कुल आप देख के यही सोचेंगे कि ये राम मंदिर ही है। और पंडाल निर्माण आनंद जायसवाल बॉम्बे फ्लावर्स डेकोरेशन। और ये आपने देखा ये बना रहे हैं, ये खड्डा के रहने वाले हैं और इनका मोबाइल नंबर है, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी प्रकार का पंडाल बनवाना तो इनसे संपर्क कर सकते हैं भैया से। और ये देखिए इनकी पूरी टीम काफ़ी दिन रात मेहनत करके 3 महीने से ये पंडाल को बनाने में लगी हुई है। और जो भी इसका डिज़ाइन है राम मंदिर से थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं है, जब ये बनकर तैयार होगा तो आपको लगेगा कि राम मंदिर ऐसे सिसवा में कैसे आ गया। आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि राम मंदिर तो अयोध्या में है लेकिन ये सिसवा में कैसे और किसने बना दिया इतना बेहतरीन तरीके से, और हूबहू थोड़ा सा भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा कि राम मंदिर अब सिसवा में बनाया जा रहा है। और वह भी अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर का पंडाल कहाँ बन रहा है, तो ये जो निचलौल से
और मेन हाईवे रोड जा रहा है श्री राम जानकी मंदिर, और उसी रोड पे है ये मंदिर के परिसर में बनाया जा रहा है। ये भैया हैं, भैया क्या कहना चाहेंगे, कितने मतलब संघर्ष करना पड़ रहा है इस मंदिर को बनाने में, क्योंकि पूरा टीम आप ही का है और टाइम भी करीब आ चुका है। संघर्ष तो बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ा इस पंडाल के निर्माण में जी, लगभग 4 महीने की डे नाइट की मेहनत से ये पंडाल आज इस रूप ये रूप विकार रूप ले चुका है जी। 2-3 दिन की और समय है इस पंडाल को पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा जी। 10 से 12 लोग हमारे टीम के जो है डे नाइट मेहनत करके काम किए हैं जी, तब जाके आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि पंडाल इस पोजिशन में खड़ा है आपके सामने। ये जो डिजाइन हम देख रहे हैं एकदम हूबहू राम मंदिर आपने सिसवा में उतार दिया है, एक तरफ वहाँ भी मंदिर का काम चालू हो रहा है, यहाँ भी राम मंदिर का काम चालू है, वहाँ भी बन के तैयार होने वाला है और यहाँ भी बन के तैयार होने वाला है। तो ये दिमाग में आपके आइडिया कैसे आया कि राम मंदिर को ही पंडाल बनाएंगे, और इन लोगों का भी इच्छा था तो आपका भी इच्छा था कि राम मंदिर बनाएं, तो ये आपने बनाया यहाँ, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहें, क्योंकि आपने भी बहुत योगदान दिया, मेहनत किया है इसको बनाने में। पंडाल जो पंडाल का निर्माण है जी, पंडाल का आइडिया तो कमेटी के सारे मेंबर को आया जी, और निर्माण के लिए इन्होंने हमें चुना जी, तो मैं भी अपने वादे के मुताबिक खड़ा उतरने के लिए पूरा जी जान करके मेहनत कर रहा हूँ जी। श्रद्धालुओं से मेरी यही अपील रहेगी कि भारी से भारी संख्या में आए, एक बार अयोध्या राम मंदिर का दर्शन हमारे सिसवा बाजार में करें और माता रानी से आशीर्वाद लेकर जाएं जी। तो ये भैया हैं, आपका क्या नाम है भैया? आनंद जायसवाल। आनंद जायसवाल ये खड्डा लोहिया नगर के रहने वाले हैं, इनका मोबाइल नंबर हमने दिखा दिया है, अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करिएगा भैया से। और ये देखिए ऊपर पूरा पंचिंग काम, जो कपड़ा वपड़ा वाला काम हो रहा है, पंचिंग कर रहे हैं लोग और टोटल सेटअप रेडी कर रहे हैं लोग। तो ये देख रहे थे आप, और राम मंदिर अयोध्या में नहीं, और ये आपको देखने को सिसवा में भी मिल जाएगा, और ये सीढ़ी है। तो आप लोग आइए अधिक से अधिक संख्या में, और राम मंदिर का जो ये प्रारूप बनाया जा रहा है सिसवा में उसको देखिए, और माता रानी का दशहरे का एंजॉय करिए। ये देखिए एकदम हूबहू राम मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि राम मंदिर नहीं है, ये देख सकते हैं। तो ये सिसवा में दुर्गा पूजा के अवसर पे राम मंदिर बनाया जा रहा है पंडाल, और जैसे राम मंदिर का पंडाल राम मंदिर बनाया जा रहा है उसी तरह से ये दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पे ये राम मंदिर का डिजाइन आप देख रहे हैं, दुर्गा पंडाल और राम मंदिर के डिजाइन का बन रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एक बेहतरीन पंडाल देखना चाहते हैं तो आप लोग सिसवा में राम जानकी मंदिर परिसर के बीच आइएगा, और इस पंडाल का देखिए जो डिजाइन है थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं है, और काफी बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है।
देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ।